थैंक यू वेरी मच। आज से तकरीबन 7.5 साल पहले इस बिजनेस के बारे में जानकारी मिली थी। उस समय जस्ट एक स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था आगरा बीएसए मथुरा बीएसए कॉलेज से, तब इस बिजनेस के बारे में जानकारी मिली और आपके आगरा में ही इस प्लान को देखने के लिए आया था। भीड़ में ला करके बिठा दिया यहाँ पे। जो भी प्लान में आकर के लोग बता रहे थे हिंदी में ही बोल रहे थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहे हैं। पर एक बात लास्ट में समझ में आई कि उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि मैंने यहां से कमाए इतने लाख, कोई बोल रहा था मैंने यहां से कार ले ली, मैं यहां से इतने लाख रुपए पर मंथ कमाता हूं। देखने में सब ठीक ठाक लग रहे थे, टाई वाई लगा के सूट वूट पहन के। मैंने कहा यार ये काम बढ़िया है, लाखों रुपए मिल रहे हैं और ऐसे बढ़िया लिबास में रहेंगे तो इसलिए ये काम को फटाफट कर लेते हैं। जो व्यक्ति मुझे लेके आया था मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ भाई साहब इसको करने के लिए क्या करना है। उन्होंने सिंपली बताया कि यहाँ पे अपना फॉर्म भरवा दो, अपना डीडी जमा करो और आगे आपको दो मेंबर बनाने, दो से फिर चार बनाएंगे, चार से आठ बनाएंगे और ऐसे आपके मेंबर बनते जाएंगे और आपको इनकम आती जाएगी। दो मेंबर आपका बनाने का टारगेट है, क्योंकि उसको भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं था इस बिजनेस की गहराई क्या है, इसको करना कैसे है। जितना उसको आता था 8 दिन पहले मेरे से ज्वाइन किया था वैसा उसने मेरे को बता दिया। तो दो मेंबर बनाने की जहां बात आई तो मैंने तुरंत अपने पैसे जमा करके और मैंने ये अपने दिमाग में सोचा कि आज ही अपने गांव में जाएंगे और जाके पूरे गांव वालों को बताएंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लाएंगे अगले संडे को, एक दिन में 5,500 करा देंगे। और मैं सीधा अपने गांव गया और गांव जाकर के मैंने सब लोगों को बताया। मैंने कहा भैया आगरा में एक ऐसी कंपनी खुली है जिसमें आप अंदर जाओ और बाहर निकलोगे तो करोड़पति बन जाओगे। 3 डायलॉग मैंने उनको बोले, मेरे दिमाग से वो 3 डायलॉग इतने परफेक्ट थे कि 3 डायलॉग सुन के तो हर आदमी को ज्वाइन करना चाहिए। वो 3 डायलॉग कौन से थे? मैंने वो बोला लोगों को कि भैया कंपनी में 8,000 लगाने हैं, 2 बनाने हैं और 40 लाख कमाने हैं। और 3 बात सुन के हर एक आदमी को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बचा के रखो, भजवा लूंगा। तो ये 3 बात सुन के हर एक आदमी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जानना चाहते हैं उन लोगों ने क्या बोला? उन्होंने मेरे को बोला कि जिस तरीके की तू कंपनी की बात कर रहा है 8,000 लगाने वाले की, तूने उसमें लगा दिया 8,000? मैंने कहा लगा दिए। बोले तेरे तो 8,000 गए, तू भूल जा अपने 8,000 को। मैंने कहा क्यों? कि ऐसी कंपनियां चलती नहीं है। कोई आज तक करोड़पति नहीं बना, किसी को लाखों रुपए नहीं आते, किसी को कार नहीं मिलती। और उन्होंने 2-4 लोगों के नाम बताए कि उसने किया था वो फेल हो गया, उसने किया था वो फेल हो गया और अगला नंबर 13 है फेल होने का, तू भी होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा था लोगों को यहां पे पैसा के बारे में बोलते हुए टाई वाई लगा करके, तो मैंने उन लोगों से जिद किया। अगर आप लोग ऐसा बोलते हो कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी आंखों से आगरा में देख के आया हूं कि लोग ऑलरेडी लाखों कमा रहे हैं। अगर तुम इतने होशियार चंद हो तो आगरा चलो एक बार और मैं अपने सीनियरों से मिलवाता हूं और उनसे बात करना। उसमें से कुछ तैयार हुए कुछ नहीं हुए, उनमें से 10-12 लोगों को लेकर के मैं आगरा आया प्लान में, अवध बैंक्वेट हॉल में ला करके मैंने उन लोगों को बिठाया। और बिठाने के बाद में मैं एक साइड में खड़ा हो गया और मेरा पूरा फोकस अपने उन 10-12 लोगों के ऊपर था। मैं पूरा एकदम तरीके से उनको देख रहा था कि अगर वो लोग ताली बजाते थे तो मैं बहुत खुश होता था कि ताली बजा रहा है इसका मतलब बात समझ में आ रही है इसके। वो अगर हंसता था मैं कहा हंस रहा है इसका मतलब ये फंस रहा है, ये पक्का आएगा। बस मुझे इंतजार था कि मीटिंग खत्म हो फटाफट से इनको आज ही अपने सीनियरों को भी दिखाऊं, एक दिन में 12 कराए। और जैसे ही क्लोजिंग करने वाले व्यक्ति ने बोला विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं पूरे 32 दांत दिखाते हुए अपने गेस्टों की तरफ दौड़ा और जाकर के मैंने हाथ मिलाया। मैं बताओ है ना गजब की चीज, तुम बोलते थे लाखों नहीं आएंगे, कोई नहीं बनता डायमंड, देख लिया डायमंडों को, देख लिया 8 लाख। तो वो सब मेरे ऐसे सामने खड़े हो गए। और जानना चाहते हो उन्होंने क्या बोला? एक आदि जानना चाह रहा है, जानना चाहते? यस। उन्होंने यस नहीं बोला, उन्होंने बोला नो। और अगर वो नो भी बोलते या नो बोल के भी छोड़ देते तो भी काम चल जाता, लेकिन उन्होंने नो से भी ज्यादा बोला। नो से ज्यादा क्या बोला?
वो सब देखने के बाद भी कि तू इन टाई वालों को दिखा रहा है, ये सब किराए के हैं, किराए के, इनको किराए पे लाया जाता है। किसी को 200 दिए जाते हैं तो कोई थोड़ा गोरा सा होता है उसको 300 दिए जाते हैं और उनको पढ़ा के भेजते हैं। 2-3 महीने के बाद सब गायब, कोई नहीं दिखेगा, ना तेरी कंपनी न तेरे टाई वाले। उनमें से कईयों ने बात बोली कि तू बोल रहा है तू डायमंड बनने की 10,000 की टीम बनाने की, हां मेंबर बना लेना 2 तो मुंह 6 मुड़वा लूंगा, तेरा 1,000 का भी चेक आ जाए तो नाम बदलूंगा मैं अपना नाम। मेरे वो ताऊ ने करी थी वो भाग गई, वो फलानी करी थी वो भाग गई, ये भी भाग जाएगी, तेरे तो 8,000 गए। नए नए व्यक्ति के साथ में अगर ऐसे कोई बोल दे जिसने पहले ही दिन से शुरुआत की और पहले ही दिन ऐसा रेस्पॉन्स मिले तो उसको कैसा लगेगा? बुरा कि मेरे को तो वो गाना याद आ रहा था, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। थैंक यू। अब मुझे वो आदमी का चेहरा याद आ रहा था जिसने मेरे 8,000 लिए थे, वो कहां है? उसको ढूंढो और अगर कंपनी नहीं भेजे हो तो अपने 8,000 लेके निकल लो। और मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई साहब जो पिछले संडे को मैंने आपको 8,000 दिए थे वो कंपनी तो नहीं भेजे? उन्होंने बोला नहीं वो तो भेज दिए। तो सर कुछ कम ज्यादा करके वापस करवाओ, हमें नहीं करनी है आपकी कंपनी। उनकी थी मेरी नहीं। उन्होंने पूछा क्यों? मैं मेरे गांव के 10-12 इंटेलिजेंट लोगों ने आपकी कंपनी फेल कर दी, वो ऐसा बोल के गए ये कंपनी नहीं चलेगी और आप सबको किराए का बता के गए। बोला अच्छा, और बोला और वो ऐसा बोल के गए हैं कि ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, तेरे 2 मेंबर बन जाए तो मुंछे मुड़वा लेंगे, नाम बदलेंगे हम अपना अगर तेरा 1,000 का भी चेक आ जाए तो। उन्होंने पूछा तो तुझे क्या लगता है? मैं लगता वक्ता क्या, जब मेरे गांव वाले ज्वाइन नहीं कर रहे तो मैं कैसे डायमंड बनूंगा? थैंक यू। और डायमंड नहीं बनूंगा तो आपकी कंपनी को करने का फायदा क्या है फिर बताओ? सही बात है कि नहीं? तो मैंने कहा सर मेरे तो 8,000 रुपए लौटाओ और मुझे निकलने दो। तो अमूमन क्या होता है कि कोई एसोसिएट ऐसे आकर के किसी अप्लायंस से भी कंप्लेंट करता है, जो एक मेरी कॉमन कंप्लेंट थी, कई बार आप लोगों के सामने आती होगी। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं भी किस थिंकिंग के साथ इस बिजनेस में आया था, और वो कंप्लेंट सुन के कई अप्लायनों का भी धुआं निकल जाता है, वो भी उसके साथ रोने लगते हैं, यार सक तो मुझे भी होता था। लेकिन थैंक्स गॉड कि मुझे इतने दमदार अप्लायन मिले कि उनका धुआं नहीं निकला, उन्होंने मेरा ही धुआं निकाल दिया। उन्होंने बोला कि तेरे गांव वालों को नहीं लगता कि इसकी कंपनी चलेगी? मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं लगता सर। तेरे गांव वालों को नहीं लगता कि तू इसमें डायमंड बनेगा? मैंने कहा ना सर बिल्कुल नहीं लग रहा। उन्होंने एक बात पूछी, वो तेरे गांव के जो 10-12 ब्रिज मिनिस्टर यहां पे आए थे, अगर उनको इस हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में से कम कर दो तो कितनी बचेगी? सर उतनी बचेगी जितनी है, जोड़ घटाव करेंगे इतनी देर में और आ जाएंगे। थैंक यू। वो बाद में चेतता है, उसको ध्यान तो आता है थोड़ा ढिंचिंग ढिंचिंग करने का। कोई नहीं, अपन तो दमदार हैं, एक बार इसको भी दिखा दो कितनी दमदार है। हर बार अगर ऐसे ही बजाओगे तो फिर इसको भी जरूरत नहीं पड़ेगी बजाने की, आप जब ढीले पड़ते हो तभी बजाता है। चलो खैर, ताली बजवाने का मकसद नहीं है, बात समझ में आ जाए आपके, बस मेरा मकसद ये है। दोस्त उस समय सर ने मेरे को बोला, ये सवाल मेरे से पूछा कि अगर तेरे 10-12 गांव के जो लोग हैं उनको अगर इस हिंदुस्तान की पॉपुलेशन से कम कर दिया जाए तो हिंदुस्तान की आबादी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो लोग जिसको वोट देते हैं उस आदमी के जीतने हारने पर फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी किसी कंपनी को सपोर्ट करें वो कंपनी चलेगी गिरेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों के कहने से कोई आदमी अपनी जिंदगी में डिसीजन नहीं लेता। तो जसवीर तू अपनी जिंदगी बनाने का डिसीजन उन 10-12 लोगों के ऊपर क्यों डालता है? तुझे अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, तुझे अपने विवेक
से सोचना चाहिए, अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि तुझे जिंदगी में क्या चाहिए और तू जिंदगी में क्या करेगा और उससे तुझे क्या मिलेगा। तू बात करता है लोगों की, लोग हमेशा किसी भी चीज को फेल कर देते, वो सही नहीं होता। लोग जिस चीज के बारे में बोलते हैं वो हर टॉपिक का सही नहीं होता, क्योंकि लोग तो बोलते थे राइट बंधुओं को कि हवाई जहाज नहीं बनेगा, लेकिन हवाई जहाज बना, यस या नो। लोग बोलते थे कि रेल नहीं बनेगी, लेकिन रेल बनी, यस या नो। लोग बोलते थे कि बल्ब नहीं बनेगा, लेकिन बल्ब बना, यस या नो। और अगर ये सब हो सकता है तो जसवीर, लोग अगर तुझे बोलते हैं कि तू डायमंड नहीं बनेगा, अगर तुझे अपने आप पे भरोसा है, सिस्टम में भरोसा है, 3 साल मिलकर काम कर और स्टाम्प पे लिखवा के ले ले, तू डायमंड बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। थैंक यू। तुझे अपने आप पे कितना भरोसा है, इस बात से सफलता मिलेगी, लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू बात करता है 8,000 की, तू 8,000 की बात करता है, कंपनी नहीं लौटाएगी, मैं लौटा देता हूं, और तू 8,000 ले जाकर के क्या करेगा, क्या करेगा तू अपनी जिंदगी में? कौन सी चीज होगी जो तेरे मां बाप के सपने पूरे करेगी? कौन सी ऐसी चीज होगी जो तुझे देश विदेश की यात्रा कराएगी? कौन सी ऐसी चीज होगी तुझे महंगी महंगी कारों में चलाएगी? क्या करेगा तू? नौकरी, इतनी डिग्रियां चाहिए, चेक बैक जैक सब चाहिए, है नहीं? करोड़ों रुपए चाहिए बिजनेस के लिए, है नहीं? मेरा जवाब नो था, एकदम शैलेट आपकी तरह, और मैं कंफ्यूज था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और उस समय सर ने एक और मेरे पते की बात बोली कि जब जिंदगी में कंफ्यूजन हो तो बात फायदे की मान लेनी चाहिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बात सही है, कंपैरिजन कर लेना चाहिए, ज्यादा फायदा किसमें है। और कंपैरिजन मैंने किया कि एक तरफ वो लोग हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि तू यहां से नहीं बन सकता डायमंड, नहीं कमा सकता लाखों रुपए, नहीं चल सकता कार में, और एक तरफ वो हैं जो मेरे को बोल रहे हैं, बोले तू बन सकता है डायमंड, कमा सकता है लाखों रुपए, चल सकता है कार में। किसकी बात माननी चाहिए, फेलियर की या सक्सेसफुल की? फेलियर की या सक्सेसफुल की? थैंक्स गॉड कि मेरे कॉमन सेंस ने काम किया, थैंक्स गॉड कि मेरे कॉमन सेंस ने काम किया, कईयों का कॉमन सेंस काम नहीं करता, चक्कर में पड़ जाते हैं फेलियर के में, लेकिन मेरे कॉमन सेंस ने काम किया। और मैंने उस दिन इस बात की कसम खाई कि सर अगर आपको मैं डायमंड की तरह लगता हूं और डायमंड की तरह दिखता हूं, देख लो कहीं मजाक तो नहीं कर रहे आप। और उन्होंने एक बात बोली, फिट है एकदम, बन सकता है डायमंड, क्योंकि डायमंड बनने के लिए किसी का रंग नहीं चाहिए, रूप नहीं चाहिए, जाति नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिए। डायमंड बनने के लिए तो इच्छा शक्ति की जरूरत है, सपनों की जरूरत है। क्या वो तेरे अंदर है? मेरा जवाब था यस है। ऐसे मरा मरा नहीं है, यस है। काम कर, मैं भरोसा दिलाता हूं। और वो चमक मुझे मेरे अपलायनों की आंखों में दिखी, और मैंने उस समय डिसीजन लिया कि आज मैं डिसीजन लेता हूं, सर साला जसवीर अपने बाप की औलाद नहीं, जिससे क्या मैं डायमंड बन के नहीं दिखा दिया, डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा। एक बार मेरी 10,000 की टीम जरूर बनेगी, एक बार जसवीर जरूर डायमंड बनेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, किसी से भी बात करनी पड़े, लेकिन एक बार 10,000 की टीम बनाऊंगा। नन्नी सी जान थी, 19 साल की उम्र, मुझे भी नहीं आई थी, अभी तो बना के आए, पर तबाही नहीं थी। और मैं जाता था लोगों को प्लान दिखाने। ये दुनिया कोई रहम नहीं करती किसी पे, सफलता चाहिए तो कीमत चुकाओ। और मैं लोगों को समझाता था कि साहब ये कंपनी ज्वाइन कर लो, तो कई लोग मुझे बोलते थे तू इस कंपनी में काम कर रहा है, तूने अब शुरू किया है, हम करके छोड़ चुके हैं, तू इस कंपनी की बात करता है, तेरी उम्र क्या है, तू बच्चा है, तूने जितना पानी नहीं पिया उससे ज्यादा हमने दूध पिया है, तुझे जितनी गिनती नहीं आती उससे ज्यादा हमने शहर देखे हैं, हम अर्थशास्त्री हैं, हम तोप हैं, हम बम हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, अपने आप पे भरोसा था,
अपने आप पे बिलीव था, क्योंकि मैं लोगों को कामयाबी लेते हुए देख रहा था, मेरे सामने मेरे प्लानों के चेक आते थे, मेरे सामने ये लोगों की कामयाबी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। विजय पाल सर का 20,000 रुपए का चेक एक हफ्ते का मेरी आंखों के सामने था, और मुझे इस बात का भरोसा था अगर इनका आया इसी कंपनी से साल, मेरा भी आएगा, आएगा कैसे नहीं लाके दिखाऊंगा, आएगा जरूर जरूर आएगा। थैंक यू। बस उसकी मुझे कीमत चुकानी थी, एक बात समझ में आ गई थी, साला चपरासी की भी कीमत चुकानी पड़ती है, आदमी राष्ट्रपति बनता उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। यस या नो? डायमंड बनना चाहता हूं मैं, डायमंड, डायमंड की कीमत चुकाऊंगा, और मैंने कीमत चुकाई। और जहां लोग बोलते थे कि लोग आएंगे नहीं, मेरे साथ लोग आए, लोग आए मेरे साथ, दो भी आए, चार भी आए, आठ भी आए, अरे बात छोड़ो गिनतियों में, हजारों में बात करो, 2,000 भी आए, 4,000 भी आए, 8,000 भी आए, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, आज 45,000 लोगों की टीम है मेरे साथ, 45,000 पीपल इन माई टीम, 45,000। थैंक यू वेरी मच। आज इस कंपनी से लोग बोलते थे चेक नहीं आता, 1,000 कमा के दिखा देना। आज भाई साहब करारा जवाब है उन लोगों के सामने, मैं खड़ा हूं, मैंने 1,000 कमाए, 1,00,000 कमाए, 10,00,000 कमाए, 20,00,000, 40,00,000, 50,00,000, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, आज 2 करोड़ रुपए से क्यों लाइफ से कमा चुका हूं, 2 करोड़। थैंक यू वेरी मच। आज महीने का 8,00,000 आता है, साल का 1 करोड़, पर वीक 2,00,000 रुपए की इनकम आती है सिक्योर लाइफ से। थैंक यू। काम करता था, बहुत समय लगा इसमें, 7.5 साल, कईयों के लिए बहुत ज्यादा होता है, कई बार मुझे भी बहुत ज्यादा लगता था जब सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि मंजिल दिखती नहीं थी, लोग काम करते हुए दिखते नहीं थे, तो कई बार पेशेंस अप डाउन होता था। और अपलाइन ने एक बात बताई कि जिंदगी में अप एंड डाउन आ रहे हैं, इसका मतलब जिंदगी चल रही है। ईसीजी के बारे में जानते? ईसीजी की लाइन अगर ऊपर नीचे हो रही है, आदमी जिंदा है, और लाइन अगर सीधी हो गई, श्री राधे, गए वो तो ऊपर। यस या नो? यही बात है जिंदगी में, जितने लोगों की जिंदगी में अप एंड डाउन से उनकी जिंदगी चल रही है, और जो बाकी एक नौकरी एक धंधे में सीधी लाइन में जिंदगी जी रहे हैं, वो चलते फिरते मुड़ते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। और अप एंड डाउन से मैं डरा नहीं, 3.5 साल लगे मुझे इस बिजनेस में गोल्ड बनने में, गोल्ड बना 3.5 साल काम करने के बाद। ऐसे बहुत सेमिनार होते थे इस मातृवैश्य के अंदर, पहली बार नहीं आया हूं, कई बार उस भीड़ में बैठता था मैं, बड़ा डरावना लगता था मुझे ये स्टेज, पता नहीं कब आऊंगा मैं यहां, इसी मातृवैश्य की बात कर रहा हूं मैं, किसी ने किसी को मैं यहां सफलता लेते हुए देखता था, मैं नाच के जाता था इसी स्टेज पर जाके, मैं बताता था अपनी मम्मी को कि मम्मी आज वो फलाना सिंह डायमंड बन गया है, और मम्मी बोलती थी बेटा तेरा भी नंबर आएगा क्या, ये मजाक की बात नहीं, बड़ी जरूरत थी उनकी आंखों में, वो जरूरत थी कि बेटा तेरा भी नंबर आएगा कि नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई चिराग था वो मैं था। और हर बार मैं एक होप देता था कि देखता हूं, कोशिश कर रहा हूं, और आप में से कईयों की मम्मियां आपसे भी पूछती होंगी बेटा तेरा भी नंबर आएगा क्या, और मैं आज आप सबको बोलता हूं जाके अपनी मम्मी को बता देना आपका नंबर जरूर आएगा, क्योंकि जस्मी डायमंड बन सकता है, यहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स डायमंड बनेगा, 100% हर एक शख्स डायमंड बनेगा। और जब अपना नंबर आया ना, जब अपना नंबर आया भाई साहब, 3.5 साल गोल्ड बनने में जरूर लगी थी, लेकिन अगले 1.5 साल में डायमंड बना, 1.5 साल में, 3 अप्रैल 2011 को डायमंड बना, कईयों ने देखा होगा शिल्पग्राम के अंदर, उसके अगले 8 महीने में 8 जनवरी 2012 को जसवीर डबल डायमंड बना, उसके ठीक 6 महीने बाद ट्रिपल डायमंड बना, उसके अगले 6 महीने में अभी फरवरी चल रहा 16, मैं अपने बाप की औलाद नहीं, जो बिजनेस कंप्लीट नहीं करके दिखाया बिजनेस। थैंक यू। लोग बोलते हैं यार
में काम करने में प्रॉब्लम है और मुझे को भी लगता था क्योंकि कई सारी चीजें विरोध में रखी तो मैं काम करता था, मैं जाता था साइकिल पे और आता था, मेहनत करता था, मेहनत करते हुए लोग देखते थे सर अचीवमेंट की स्थान। तो गांव में लोग पंचायत करते थे, ग्रुप बना बना मीटिंगें होती थी लोगों की और उन मीटिंगों में डिस्कशन करते थे जिसका कुछ नहीं होगा। खुद फंस गया है, दूसरों को ढूंढ रहा है 8,000 की टोपी के लिए, कोई मिलता नहीं है इसको, दो नंबर का काम कर रहा है, कुछ दिन में घर बैठेगा। अगर एक आदमी मिल भी गया ना मेंबर तो पुलिस आएगी इसे पकड़ने, पुलिस। और मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि बेटा ऐसे लोग बात करते हैं यहाँ पे, और मैंने अपनी मम्मी को एक ही बात बोली थी, लोग अगर ऐसा बोलते हैं, ये मीटिंगें होती हैं, मीटिंगें आगे भी होंगी लेकिन इनकी बात बदल जाएंगी। और आज मैं आपको बताता हूं मीटिंगें आज भी होती हैं मेरे गांव के अंदर, लोग आज भी इकट्ठे होते हैं लेकिन उनकी बातें बदल गई हैं। उनकी बातें वो नहीं होती कि ये फंस गया है 8,000 का मेंबर ढूंढ रहा है, आज उनकी बातें ये होती है, साला ये तो निकल गया बहुत आगे, ये तो बढ़ गया डायमंड, कितना पैसा कमा रहा है कोई पता नहीं, कोई हिसाब किताब ही नहीं, कितना दाम आ रहा है गांव में इतना पैसा लगाया, गांव में एसी लगवा रहा है, इतना बड़ा मकान बनाया, क्यों तुझे क्या पता साले, दाम इतने आ रहे हैं हम घूरे पे भी लगा देंगे पैसे, दाम ही इतने। थैंक यू। 50 लाख की BMW बड़ी नहीं यार, थोड़ी छोटी ले ले, तुझे चलानी है कि मुझे चलानी है। सिक्योर लाइफ का डायमंड है यार, 8 लाख कमाता है साला, 50 लाख से नीचे चलेगा तो अच्छा लगेगा क्या? चर्चा होती है, तहसील में नहीं है किसी पर, नहीं है तो क्या करूं मैं, मेरे पास है ना सिक्योर लाइफ के टाइगर पे है, क्या बात है। चर्चा आज भी होती है, उनकी बातें बदल गई हैं। और दोस्त ही सिर्फ क्या है, भरोसे का कमाल है, किसका भरोसा, अगर आपको है आप हासिल कर सकते हैं, भरोसा नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। बात करते हो आप प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम आती है सर तो मैं आपको बता देता हूं, कोई लेडीज अगर प्रेग्नेंट होती है, मां बनती है, 9 महीने तक किसी बच्चे को अपने पेट में रखती है, उस बच्चे को लेके आने जाने में उसे प्रॉब्लम होती है, तो वो सब जो प्रक्रिया है 9 महीने की, वो प्रॉब्लम है कि प्रोसेस है? वो बच्चे को दुनिया में लाने की प्रॉब्लम है कि प्रोसेस है? प्रोसेस। उसी तरीके से मेरे दोस्त सिक्योर लाइफ बिजनेस के अंदर ज्वाइन करना और लगातार 3 साल तक प्लान, ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन अटेंड करना, ये प्रॉब्लम नहीं, ये डायमंड बनने की प्रोसेस है, प्रोसेस प्रोसेस है। थैंक यू। और जो इस प्रोसेस को पूरा करेगा वो डायमंड बनेगा, और जो इस प्रोसेस को पूरा नहीं करेगा वो डायमंड नहीं बनेगा। जिस माँ को कष्ट होता है मैं नहीं लटकाऊंगी तो नहीं बन सकती माँ, ऐसे रहे। और बच्चे को कष्ट हो कि मैं नहीं रह सकता 9 महीने तक अंदर, तो ऊपर ही रह बेटा, तू नीचे नहीं आ सकता, लटका रहे। यस या नो? आप डटे रहेंगे? यस या नो? पकड़े रहेंगे अपनी कुर्सी को? हिलेंगे नहीं ना? वादा करते हो? मैं हर एक आदमी से वादा लेना चाहता हूं, जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, वादा करिए अपने आप से, ऐलान करिए आज सबके सामने कि आई एम ए डायमंड। I'm a diamond. Thank you very much. Wish you all the best and go diamond.